Assalamoalaikum everyone, welcome back to my channel guys. So ये भी requested video है और आज मैं बनाने जा रही हूँ garlic noodles. Quarantine के time पर क्या किया जाए except this बस. तो चलिए चलते हैं, जान लेते हैं इसके ingredients. सबसे पहले मैंने 100 grams noodles ले लिए, उनको boil कर लिया अच्छे से. Boiling you know सभी जानते हैं, नॉर्मल वाटर को बॉईल करकर नूडल्स को उसमें डाल देना 80% कुक करकर, उसको निकाल कर वॉश करकर ऑयल लगाकर डेढ़ घंटे का रेस्ट देना है. उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पर कैप्सिकम, ऑनियन, ये है अजीनो मोटो जो कि मेन इंग्रेडिएंट है नूडल्स का, और मैंने यहाँ 3 से 4 ग्रीन चिलीज एंड कैबेज, बंद गोभी और विनेगर एंड सोया सॉस एज यूजल जैसे लेते हैं. यह सबसे मेन इंग्रेडिएंट एक तो इसमें अजीनोमोटो है और दूसरा ये एक नूडल मसाला है. इफ़ यू वांट आप ये भी डाल सकते हैं और येलो मिर्च पाउडर भी आप डाल सकते हैं. अब यहाँ पर हम अच्छे से पैन को गरम कर लेंगे, मतलब कढ़ाई को गरम कर लेंगे, क्योंकि नूडल्स का मज़ा कढ़ाई में ही होता है. तो मैंने इसको अच्छे से गर्म कर लिया है. अब इसके अंदर मैं 3 से 4 चम्मच डाल दूँगी ऑयल. ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे. गर्म करने के बाद गाइस, वीडियो के बीच में बताना चाहूँगी कि जो भी नए हो मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये पसंद आए तो ट्राई कर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी. तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसके अंदर ऑयल को गर्म करने के बाद जो मैंने ग्रीन चिलीज़ कट की थी उनको मैं अच्छे से डाल दूँगी. एंड मेक श्योर गाइस, वेजीज़ को ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बहुत हल्का सा फ्राई करना है, थोड़ा क्रंच रखना है. इसके बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये ग्रीन ऑनियन. मैंने 1 स्मॉल ऑनियन लिया था, ज़्यादा नहीं, बड़ा स्मॉल ऑनियन लेना है. उसको अच्छे से चॉप कर लेना है. चॉप कर मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया. ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का. अब मैं डाल दूँगी इसमें, मैंने 1 स्मॉल कैप्सिकम लिया था, उसको अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया था. और यहाँ पर मैंने अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट मैंने कैबेज ले लिया है. आप भी अपने अकॉर्डिंग वेजीज़ कर सकते हैं, इसमें कोई एज सच एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं देना है वेजीज़ का, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं. मैंने अब यहाँ पर मिक्स कर दिया है अजीनोमोटो, जो कि बहुत ज़रूरी होता है नूडल्स में. अब मैं डाल दूँगी यहाँ पर ये नूडल्स मसाला, इसको डालने के बाद मैं अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि गार्लिक नूडल्स है तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट. इसको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी, एंड फ्राई करने के बाद, हल्का सा फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने हल्का सा, बस इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, हल्का सा फ्राई कर मैं इसमें डाल दूँगी नूडल्स. सॉरी गाइस, उसके पहले विनेगर एंड सोया सॉस भी डालना है, मैं भूल गई थी. एक्चुअली मैंने पहले बना लिया, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे बिल्कुल दिमाग से हट गया ये चीज़. अब मैं यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है विनेगर और 3 टेबल स्पून मैं ले लूँगी सोया सॉस. आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं विनेगर एंड सोया सॉस, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इतने ही स्पून्स डालने हैं. नाउ अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके, अब ज़्यादा नहीं भूनना है, बस फटाफट अपना नूडल्स को इसमें डाल देना है. और बॉईल किए हुए नूडल्स आप देख सकते हैं मेरे कितने खिले खिले हैं, ये मैंने, ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपके हुए हैं. और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके नूडल्स चिपक रहे हैं इट मींस आपने उसको ज़्यादा कुक कर लिया है, और उसके बाद आपने उसको ऑयल लगाकर 1-1.5 घंटा नहीं छोड़ा है तो ही आपके नूडल्स चिपक जाते हैं. खैर, मेरे यहाँ नूडल्स मैंने डाल दिए हैं और अब देखें आप कितने अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी. मिक्स कर मिनिमम 2-3 मिनट्स के लिए मैं इसको रेस्ट दूंगी, एंड उसके बाद हम इसको सर्व कर सकते हैं. सो गाइस, प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो पुराने हैं मेरे सब्सक्राइबर्स वो मुझे ज़रूर बताएं ट्राई कर इस क्वारंटाइन पीरियड में कि मेरे वाली रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी. तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. काफ़ी सारी रेसिपीज़ की रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास लगातार. इंशाल्लाह मेरे पास जैसे ही टाइम होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी गाइज़ आप लोगों के साथ. और मैं यही बोलूँगी कि इस क्वारंटाइन पीरियड में आप लोग सेफ रहिए और घर में रहिए, और जल्द से जल्द ये सब परेशानियाँ दूर हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. सो गाइज़, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं कर दूँगी एंड. सो मेक श्योर, हाँ गाइज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ये नूडल मसाला नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये येलो मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर, वो पूरा ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं. बट मैंने यहाँ दोनों ही चीज़ें यूज़ की हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था. अब बस मैंने मिक्स कर लिया है, मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था तो मैंने दोनों ही चीज़ें ऐड की हैं इसमें.
आप चाहें तो एक चीज़ स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये टोटल। नाउ मेरे नूडल्स हो गए तैयार बनकर, अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी एंड गर्मा गर्म मैं हॉट अच्छे से इसको सॉस के साथ सर्व करूँगी। मैं इसको अब डिश आउट कर रही हूँ एंड सीरियसली गाइस बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी एंड डिलीशियस बने थे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आए इस रेसिपी को, अगर आप पसंद करें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो एंजॉय करें आप मेरे इस नूडल रेसिपी को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।